तो नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास आए हैं कुछ चार डेड सेट टॉप बॉक्स रिपेयरिंग के लिए। और एक बॉक्स तो ये अजय कश्यप भाई साहब का है, बरेली उत्तर प्रदेश से, सोलिड का 6363 है इनका डेड सेट टॉप बॉक्स। और ये मधुकांत भाई है गिरी सोमनाथ से, इन्होंने भी सोलिड का 6363 भेजा है डेड बॉक्स रिपेयरिंग के लिए। और एक ये रहमतुल्ला भाई है कर्नाटका से, इनका भी सोलिड का 6363 है, नया वाला डेड हो गया है। और उसके बाद एक बॉक्स है, ये भाई साहब है अमरेली गुजरात से, इनका भी एक डेड बॉक्स है 8785 का। और इन्होंने रिपेयरिंग चार्ज इसके अंदर ही डाल के भेज दिया, आइंदा से अंदर डाल के ना भेजे क्योंकि पोस्ट ऑफिस वालों ने मना बोला डब्बे के अंदर पैसे डालने का, ठीक है। और ये देख लो, अब मैं साइन वगैरह कर लेता हूँ क्योंकि पार्सल तो मैंने ले लिए है। और दोस्तों आपसे गुजारिश है, अगर आप भी डेड बॉक्स रिपेयर करवाना चाहते हो तो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे, डायरेक्ट फ़ोन ना लगाए यार, डायरेक्ट फ़ोन से परेशान हो जाता हूँ फ़ोन उठा उठा के, और उठाता नहीं हूँ मैं फ़ोन इसी वजह से। और सभी बॉक्स मैंने खोल लिए हैं, ये 8785 वाला ये बॉक्स है, ये गुजरात के अमरेली वाले भाई साहब ने भेजा है, ये रहा इनका खोखा। तो दोस्तों ज़्यादा बॉक्स मेरे पास सोलिड के 6363 आए हैं, नए वाले मॉडल जो MB77 चिपसेट वाला है, वो मेरे पास लगभग 3 डेड सेट टॉप बॉक्स आए हैं। अधिकतर दोस्तों ने सेट टॉप बॉक्स डेट कर दिए नए मॉडल वाले, जो सोलिड का 6363 अभी नया वाला आया है। उसमें आप सभी को पता होगा या नहीं पता होगा तो बता दूं, ये देखो मधुकांत भाई, इनका भी सोलिड का 6363, और ये अजय कश्यप भाई है, इनका भी सोलिड का 6363 है, और ये रहमतुल्ला भाई कर्नाटक से, इनका भी सोलिड का 6363 बॉक्स है। और इनको मना बोला था फिर भी इन्होंने रिमोट भेज दिया। मैंने सभी को मना बोला है, रिमोट एडाप्टर ऑडियो वीडियो केबल कुछ ना भेजे, सिर्फ सेट टॉप बॉक्स भेजे रिपेयरिंग के लिए, फिर भी मेरे पास ये भाई साहब ने रिमोट भेज दिया। तो ठीक है, ये सभी बॉक्स में बता देता हूँ दिक्कत क्या है। ये देख लो एकदम रेड लाइट पर गया हुआ है, ये बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा है, ये मधुकांत भाई का बॉक्स है, देख लो रेड लाइट पर बिल्कुल ये चालू नहीं हो रहा है। और ये वाला बॉक्स भी मैं बता देता हूँ अजय कश्यप भाई का, ये भी एकदम रेड लाइट पे है, चालू ही नहीं हो रहा है। तो ये दिक्कत है, इनमें डेड हो चुके हैं, इन्होंने इन पे गलत सॉफ्टवेयर कर दिया है जिसके कारण ये डेड हो गए। और ये रहमतुल्ला खान भाई है, इनका भी डेड हो गया। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सॉलिड के बॉक्स है, ये नए चिपसेट वाले, इनमें जो आप पुराना सॉफ्टवेयर करते हो तो उससे बिल्कुल चालू नहीं होगा। और ये देख लो 8785 का बूट पे अटका हुआ है लोगों पे, इससे आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये दिक्कत है, ये सारे बॉक्स को रिपेयर करने के लिए मैंने खोल लिया है, ये देख लो आपके सामने सभी बॉक्सों को खोल लिया। और ये जो 8785 वाला बॉक्स है जो कि अमरेली गुजरात वाले भाई साहब ने भेजा है, तो इसको तो आईसी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये जो 3 पिन वाला सॉकेट दिख रहा है यहाँ पे, यहीं से रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसी को रिपेयर करके बताऊँगा, सॉलिड के बॉक्स को बाद में बताऊँगा, सबसे पहले इसको ही बता देता हूँ। तो आपको ये केबल यहाँ पे लगा देनी है सीधे, 3 पिन वाली केबल, उसमें लगानी है RS-232 और RS-232 में लगाना है USB कन्वर्टर, ठीक है। और इसको लगा देना है कंप्यूटर से। और दोस्तों ये बाकी के जो सॉलिड के 6363 है, ये आपको चिपसेट दिख रहा होगा MB7701L, ठीक है, ये नया चिपसेट है। तो इसमें बहुत से लोगों ने क्या करा है, पुराना सॉफ्टवेयर कर दिया है सी लाइन चलाने के लिए, 8 रोल के लिए, तो ये बॉक्स ही डेड हो गया है, चैनल बिल्कुल चलते नहीं है इसमें। दूसरा गलत सॉफ्टवेयर कर देने से 2 सेकेंड चैनल चलते और फिर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, यानी कि चैनल चलना बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों ये नया चिपसेट है, इसमें पुराना सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा और इसमें आप बिल्कुल सॉफ्टवेयर मत करो। तो ये फिलहाल में बहुत से लोगों ने उल्टे सीधे सॉफ्टवेयर डाल के इनको डेड कर दिया, ये बिल्कुल अब चलने की कंडीशन में नहीं है। इस कारण जो बॉक्स रिपेयरिंग के लिए भाई साहब ने, सभी भाई साहब ने सॉलिड किए और एक भाई ने 8785 का बॉक्स रिपेयरिंग के लिए भेजा है मेरे पास। तो इन बॉक्सों को मैं रिपेयर करके बताता हूँ। ये देख लो, ये नया वाला चिपसेट है MB7701L वाला, तो इसमें ये MB77 वाला ही लगेगा और ये प्रोग्रामर से रिपेयर होगा। आपको ये भी बता दूँ, आज की तारीख में USB से ये रिपेयर नहीं हो रहा है, ठीक है, ये प्रोग्रामर से ही होगा और इसकी ये फ्लैश आईसी निकाल के रिपेयर होगा, ऐसे ही नहीं होगा, ठीक है। आपको ये बात बता दूं मैं स्पेशल में,
अगर इसको रिपेयर करना है तो इसकी ये फ्लैश आईसी निकालना पड़ेगी, प्रोग्रामर पे लगाना पड़ेगा और कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। यहाँ तक तो हो गई बात क्लियर। एक और बार बता देता हूँ, देख लो MB7701L वाला। तो ठीक है, अब हम ईश्वर भाई साहब से इसकी फ्लैश आईसियाँ निकलवा लेते हैं। और तब तक दोस्तों, जब ईश्वर भाई साहब फ्लैश आईसी निकालते हैं, तब तक ये 8785 का बॉक्स हम रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले आपको खोलना है ये GX डाउनलोडर बूट वाला। खोलने के बाद चिप टाइप में सिलेक्ट कर लेना है अदर, बूट फाइल में सबसे लास्ट वाला सिलेक्ट कर लेना है और बाकी किसी को कुछ नहीं दबाना है। फाइल में जाके इसमें आपको जो भी सॉफ्टवेयर डालना हो, जो इसमें चढ़ जाता है, वो सिलेक्ट कर लेना है। तो ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट बटन जैसे ही दबाओगे ये बोलेगा प्लीज़ टर्न ऑन पावर या रिस्टार्ट द बोर्ड। तो अब आपके सेट बॉक्स के का पावर बटन ऑन कर देना है या एडाप्टर का वायर लगा देना है। ठीक है, मैंने पावर बटन ऑन कर दिया। जैसे ही पावर आ जाएगा सेट बॉक्स में, वैसे ही इसके सॉफ्टवेयर अपडेटिंग की प्रोसेस चालू हो जाएगी। ये आपके सामने सॉफ्टवेयर अपडेटिंग की प्रोसेस चालू हो गई। तो हम वीडियो को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देते हैं, नहीं तो ये वीडियो लगभग बहुत देर का हो जाएगा। तो ठीक है, ये वीडियो हमने स्किप कर दिया था और हमारा सॉफ्टवेयर इस पर अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली। और अब हमको सेटअप बॉक्स को जो है बंद करके चालू करना है। ये अभी बंद है, सॉरी चालू है। अब एक बार इसको चालू करके बंद करना है, मतलब बंद चालू करना है, रीस्टार्ट करना है। तो ये बूट लिखा हो गया और अभी चैनल नंबर भी आ जाएंगे। तो देख लो 001, यानी कि हमारा सेटअप बॉक्स सक्सेसफुली रिकवर हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपने भी कोई सा गलत सॉफ्टवेयर कर दिया हो, आपसे रिपेयर नहीं हो रहा हो, तो रिपेयरिंग के लिए आप मेरे पास भेज सकते हैं। मेरा एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, अब बात करें सॉलिड के 6363 की, तो ये ईश्वर मंडलोई भाई साहब उसकी फ्लैश आईसी निकाल रहे हैं 4 MB की। तो तीनों ही जो सेट टॉप बॉक्स आए हैं नए बोर्ड के हैं, MB77 वाले हैं। तो सभी की दोस्तों आपको फ्लैश आईसी निकाल लेनी है और इस फ्लैश आईसी को प्रोग्रामर में लगाना है, USB प्रोग्रामर में, और कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर होगा। आज की तारीख में दोस्तों ये पेन ड्राइव से इसमें सॉफ्टवेयर नहीं चढ़ रहा है। मैंने बहुत कोशिश कर ली है, हो सके आगे आने वाले दिनों में हो जाए, लेकिन आज की तारीख में तो नहीं हो रहा है। तो आपको ये प्रोग्रामर पे इसको लगा देना है और प्रोग्रामर को लगा देना है कंप्यूटर पे। तो कुछ ऐसी लगेगी इसकी फ्लैश आईसी, इस पे देख लो गोल गोल डॉट किधर की साइड है, आपको दिख रहा होगा एकदम क्लियर। तो अब मैं इसको लगा देता हूँ कंप्यूटर पे, और कंप्यूटर पे आपको 1.4 वर्जन खोल लेना है इसका, CH प्रोग्रामर का। तो जैसे ही दोस्तों इसको ओपन करोगे, यहाँ पे सबसे पहले 4 MB सिलेक्ट करना है, उसके बाद डिटेक्ट पे क्लिक करना है, क्योंकि दोस्तों ये फ्लैश आईसी 4 MB की है। और उसके बाद रीड पे क्लिक करना है, और रीड होने के बाद में आपको इरेज करना है, और इरेज होने के बाद में आपको ब्लैंक करना है। तो ब्लैंक भी कर देता हूँ। और दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगा था ब्लैंक होने में, तो इसको भी मैं स्किप कर देता हूँ। और ब्लैंक हो जाने के बाद, ब्लैंक हो गई है, अब आपको जाना है ओपन में और जा करके इसका सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करना है MB77 वाला, क्योंकि इसका चिपसेट दोस्तों मदरबोर्ड जो है MB77 वाला है, तो आपको सिलेक्ट भी वही करना है। ठीक है, तो मैं MB77O1L वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद राइट पे क्लिक करना है। तो इस दौरान ये दोस्तों टाइम लेता है थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेटिंग में, तो वीडियो को थोड़ा सा और मैं स्किप कर देता हूँ, नहीं तो दोस्तों ये वीडियो लगभग 1 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि आज तो लगभग मेरे 4 सेट बॉक्स रिपेयर कर रहा हूँ, तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा स्किप करते हैं दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपको कर लेना है एक बार वेरीफाई। तो ये वेरीफाई की प्रोसेस चल रही है, और जब वेरीफाई आपका कंप्लीट हो जाए, आपकी फ्लैश आईसी निकाल के सेट बॉक्स में फिर से सोल्डिंग कर देना है, जैसी आपने निकाली थी वैसे का वैसे। तो मैं ईश्वर मंडलोई भाई साहब से फ्लैश आईसी सोल्डिंग करवा लेता हूँ। और दोस्तों सोल्डिंग करते टाइम ध्यान रहे, इसका जो एक डॉट बना हुआ रहता है वो एक नंबर का पॉइंट होता है, तो उसको वापस वहीं का वहीं सोल्डिंग करना है। अगर ऊपर नीचे कर दोगे तो आपकी फ्लैश आईसी भी ख़राब हो सकती है, प्लस सेट बॉक्स चालू नहीं होगा। तो ये हमारा बॉक्स तो चालू हो चुका है, देख लो सभी तीनों बॉक्स सक्सेसफुली रिपेयर हो चुके हैं सॉलिड के। अजय कश्यप भाई का तो हो गया, और ये रहमतुल्ला भाई का भी हो चुका है, आपको मैं लगा के भी बता देता हूँ।
ठीक है, और लगभग जो सॉलिड के तीनों आए थे वो तीनों के तीनों चालू हो चुके हैं। ये देख लो 001 चैनल नंबर भी आ गया है। और दोस्तों, अगर आपका भी कोई सा डेड बॉक्स है, आपसे अगर वो रिपेयर नहीं हो रहा है तो आप उसको मेरे एड्रेस पे भिजवा सकते हैं। 36 रुपये लगते हैं पोस्ट ऑफिस से भिजवाने के, ऑल इंडिया में 36 या 52 रुपये। तो अब इन सेट टॉप बॉक्स को मैं पैक कर देता हूँ और पैक करके पोस्टमैन को देने के लिए जाता हूँ। ये सारे के सारे सेट टॉप बॉक्स मैंने पैक कर दिए हैं। ये अमरेली गुजरात वाले भाई का भी बॉक्स पैक कर दिया है, रहमतुल्ला भाई का भी हो चुका है पैक, अजय कश्यप भाई का भी हो चुका है पैक। और ये जो गुजरात के गिरी सोमनाथ वाले भाई का भी बॉक्स पैक कर लिया मैंने। और दोस्तों, ये बॉक्स रिपेयर करने में मेहनत की है ये ईश्वर मंडलोई भाई ने, तो आप चाहे तो इनको भी डेड सेट टॉप बॉक्स भेज सकते हो रिपेयरिंग के लिए। इनका चैनल भी है महादेव सेट टॉप बॉक्स रिपेयरिंग नाम से। तो दोस्तों, अब मैं जाता हूँ पोस्टमैन के घर पे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस तो बंद हो चुकी है। तो मैं गांव में रहता हूँ, यहाँ पे सुबह सुबह 12 बजे बंद हो जाती है पोस्ट ऑफिस। तो अब मैं आया हूँ पोस्टमैन के घर पे ये पार्सल देने के लिए, और यहाँ से ये कल बड़े पोस्ट ऑफिस में भिजवा देंगे और वहाँ से अगले दिन ट्रैकिंग की स्लिप आती है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए दिन किसी और नए वीडियो के साथ।